चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 30 जून 24 को रिजल्ट आया था उसके बाद में बीडीएस की क्या कट ऑफ रह सकती है राउंड वाइज। इसमें मैं आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, स्ट्रे राउंड, लास्ट राउंड, सभी राउंड की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि बीडीएस की कट ऑफ भी इस बार काफी हाई रहेगी। जहां ये 2-3 सालों में एमबीबीएस जिस लास्ट रैंक पर मिलता था, लास्ट मार्क्स पर मिलता था, आज वो कंडीशन आ गई है कि बीडीएस उस रैंक पर मिलने लग गया है। तो 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की हियरिंग है। उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पॉसिबिलिटी है वो अभी रीनीट की 20% रह गई है। फिर भी देखते हैं, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको बीडीएस की राउंड वाइज कट ऑफ बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने एमबीबीएस की राउंड वाइज कट ऑफ डाली थी इसके प्रीवियस वीडियो में, तो काफी स्टूडेंट की डिमांड थी बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी। एमबीबीएस की कट ऑफ अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं एमबीबीएस की कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आइए देखते हैं बीडीएस की राउंड वाइज कट ऑफ। मैं आपको यहां पर मार्क्स बता देता हूं। यहां तो जो फर्स्ट राउंड के लिए बीडीएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, यूआर के लिए 640 मार्क्स कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। सेकेंड राउंड यूआर के लिए 635 तक चला जाएगा। थर्ड राउंड 627 रहने की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रे राउंड 618 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रे राउंड के बाद में मोपअप 1 और मोपअप 2 होता है। मोपअप 2 लास्ट राउंड होता है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। कहने का मतलब यह है कि एमबीबीएस के लिए 4 राउंड होते हैं और बीडीएस के लिए टोटल 6 राउंड होते हैं। स्ट्रे के बाद में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए मोपअप 1 और मोपअप 2 रहता है। तो यहां लास्ट राउंड मोपअप 2 की बात करें तो 600 कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी के लिए। ये लास्ट कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले भी बताया है कि इस मार्क्स पर पहले एमबीबीएस मिला करता था और इस साल सिचुएशन ये आ गई है कि इस साल इस पर बीडीएस मिल रहा है। अभी ईडब्ल्यूएस फर्स्ट राउंड की बात करें तो 627, सेकंड राउंड 615, थर्ड राउंड 613, स्ट्रे राउंड 609 और लास्ट राउंड 597 कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड 636, सेकंड राउंड 630, थर्ड राउंड 620, स्ट्रे राउंड 610 और लास्ट राउंड 595 कट ऑफ रह सकती है ओबीसी कैटेगरी। लास्ट राउंड जो मोपअप 2 रहेगा बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बात करें एससी कैटेगरी, फर्स्ट राउंड 540, सेकंड राउंड 518, थर्ड राउंड 510, स्ट्रे राउंड 507 और जो लास्ट मोपअप 2 रहेगा वो 480 तक कट ऑफ चली जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड 505, सेकंड राउंड 500, थर्ड राउंड 480, स्ट्रे राउंड 470 और लास्ट राउंड 405 कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी में लास्ट राउंड में बीडीएस के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज। इसमें सबसे बड़ा फर्क इस बार ये पड़ेगा कि इस बार जो सीटें इंक्रीज होंगी तो एमबीबीएस की जितनी सारी सीटें अलॉट हो जाएंगी, उसके बाद जो सीट इंक्रीज होंगी उसका बीडीएस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बीडीएस की कट ऑफ भी डाउन जाएगी सीट इंक्रीज होने से। लेकिन इस बार मार्क्स वर्सेज रैंक में काफी बड़ा अंतर है, इसलिए मार्क्स काफी हाई रहेंगे। तो ये जानकारी इसके बारे में, बीडीएस के राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी तीनों बुक अवेलेबल है। एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की बुक है जिसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ चॉइस लिस्ट दी गई है 24 के लिए, राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, बॉन्ड डिटेल्स दी गई है, एम्स जिपमर सभी के बारे में बताया है, चॉइस लिस्ट हर एक स्टेट वाइज दी गई है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, फ्लोर चार्ज से काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, हर एक स्टेट की कट ऑफ दी गई है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो आप इन बुक की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पिछले साल कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था, तो आपकी रैंक पर वो कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद में इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये तीनों बुक्स का लिंक आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बुक की रिक्वायरमेंट है उस पर आप क्लिक करके
डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी BDS की राउंड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बाकी जैसे ही कल का अपडेट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग होती है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल से इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, हर अपडेट समय पर मिलती है, सही और अथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको जरूर मिलेगी। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।